साथ आज हमारे साथ मिरंदेश शाह, ये रायपुर एनआईटी में इलेक्ट्रिकल आइडियल में बतौर जज शामिल हुई हैं। आज हम उनके उनके सिंगिंग करियर के बारे में बात करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रायपुर में। मैम जैसे कि आपको लास्ट ईयर जीफा अवार्ड मिला हुआ है सिंगिंग के क्षेत्र में और आप वॉइस ऑफ इंडिया में फाइनलिस्ट भी रही हैं, तो इसकी शुरुआत के बारे में बताइएगा। जी, मेरी शुरुआत एक रियलिटी शो से, जैसे आपने बताया, वॉइस ऑफ इंडिया से हुई थी, पर उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग जो थी शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू की और अभी फिलहाल मैं अपने खुद के गाने भी लिखती हूँ और मैं बॉलीवुड भी करती हूँ, मैं सभी शास्त्रीय संगीत करती हूँ। मैम गुजराती में बहुत से एल्बम आपके हमें देखे हैं, उसके बारे में चर्चा की। गुजराती फिल्म अभी काफ़ी चर्चित है क्योंकि काफ़ी सारी फिल्म आ रही है, इट्स अ न्यू इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग, तो हम सिंगर्स को भी मौका मिलता है रिलैक्सिंग करने का फॉर आर रीजनल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस है क्योंकि अपनी लैंग्वेज में गाने का कम्फर्ट भी अलग होता है और बहुत मज़ा आता है। आई लव द लैंग्वेज। सो मैम थोड़ा पीछे जाएंगे, आप आपके बचपन जब आप छोटी थी उस समय आप सिंगिंग के बारे में क्या सोचा करती थी, क्या आप टीवी में देख देख के आपके मन में आया मुझे भी सिंगर बनना है? नहीं जी, मेरी माता जी जो है वो मुझे बहुत, मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक क्लासिकल म्यूजिक का फेस्टिवल होता है जिसका नाम है सप्तक, तो वो 13 डे म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, तो मतलब 13 दिन तक सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक चलता है, तो उसमें मुझे छोटी थी तब लेके जाती थी और मैं वहाँ पे सो जाती थी, बट जैसे वो बोलते थे सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना गिरा कि उसके बीच ऑलरेडी मतलब वो हो चुके थे, अंदर जा चुके थे, तब से मेरी शुरुआत हुई। मैम गुजरात से लेके मुंबई तक का सफर कुछ बनता दिख रहा है आपका? मैं फिलहाल मुंबई में बेस्ड हूँ, तो मुंबई में काफ़ी सारे टेलीविजन सीरियल्स हो गए या फिर जिंगल्स हो गए, एड जिंगल्स हो गए, इन सब के लिए तो मैं ऑलरेडी गा रही हूँ, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी का मौका मिलेगा। मैम जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज? मेरा ये मैसेज रहेगा कि अपनी टैलेंट को पहचानिए, आप जो कर सकती हैं वो बेस्ट कीजिए, एंड कोई आपको बोले कि नहीं अरे आपने जल्दी शुरू नहीं किया, अरे आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी कम है, ये सब सोचने से ज़्यादा आपको अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है, और उससे भी ज़्यादा आप थोड़ा सा अपने आप के साथ क्रिटिकल हो जाए कि मतलब यहाँ पे मैं गलत हुई, यहाँ पे मैं सही हुई, तो ये सेल्फ जजमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रादर देन समबडी एल्स टेलिंग यू, यू नो, तो लोगों की बात ना सुन के खुद की बात सुने, लोगों की बात ना सुन के खुद की बात सुने, ये मेरा जी आप मैसेज दे रही है रायपुर में। राणा जी आप आई और हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।